में हुए विस्फोट का असर नियंत्रण रेखा के नजदीकी गांव में दिखा। पुंछ ब्रिगेड के पास हुए विस्फोट के बाद नगर के नियंत्रण रेखा के नजदीकी गांव के स्कूलों में एहतियातन तौर पर छुट्टी घोषित की गई है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जाता है या फिर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया तो किसी प्रकार का जानी नुकसान ना हो, इसलिए नियंत्रण रेखा के निकटवर्ती गांव दिगवार, माल्टी, कलसा, बग्यालदा आदि दर्जन भर गांव में सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। बंद हो के भारू घोड़ा है पाकिस्तान का, आन गया वहाँ बग्रेड में लगा है, इसलिए आर्मी ने पूरे स्कूल बंद कराया कि फायरिंग शुरू हो जाएगी तो बच्चा अपने अपने घर में और खेती बाड़ी जो कर रहे थे पूरे लोग भगा दिए उन्होंने, इसलिए स्कूल बंद हो। मास्टर ने छुट्टी कराई आर्मी का कहने लगा कि पूरे स्कूल बंद करके बच्चे अपने अपने घर में जाओ, इसलिए स्कूल बंद आया। दुश्मन का गोला आया था, उस गोला का वजह तो स्कूल बंद कराए। किस तरह का डर है कोई पता नहीं, गोले चलने शुरू हो जाए, बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे, वो घर कैसे पहुंचेंगे, कुछ जगह छुपनेंगे नहीं, कोई नहीं कहाँ कैसे छुपेंगे। पूरे स्कूल बाड़ों में तमाम बंद करा दिए, आर्मी ने बंद कराए गोले के बजाय। सर मैसर चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ, कोई 10:30-11 बजे के करीब एक धमाका हुआ इधर हमारे ब्रिगेड में पुरानी पुंछ में, जिससे थोड़ा कोई अफरा तफरी मच गई और बच्चों के पेरेंट्स में भी शायद उनको ये लगा कि ये पाकिस्तान की साइड से ये गोला आया है, तो उस अफरा तफरी की वजह से स्कूलों में भी आर्मी भी आ गई तो कुछ स्कूलों में हमें छुट्टी करनी पड़ी। वो बॉर्डर में उन्होंने कहा कि हो सकता है कोई फायरिंग की अप्रिहेंशन हो जाए, तो उस वजह से हमने को 11 बजे जो हमारे बॉर्डर के स्कूल थे माल्टी हो गया, दीवार हो गया, तो उसमें छुट्टी करनी पड़ी। सर कितने दिन की छुट्टी है? एक ही आज ही शाम तक क्लियर आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है, हमारे SSP साहब भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन इससे ये हमारी खुशकिस्मती है कि नुकसान कोई नहीं हुआ, इसी लिहाज से कि और मजीद नुकसान ना हो तो अपेरेंटली जो है वो हमें थोड़ा बच्चों को छोड़ने पड़ा वो घर में आ गए, खासकर बॉर्डर एरिया में, और इसी वजह से ये कन्फ्यूज़न पैदा हुआ जी ब्लास्ट।